हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। दोस्तों आज के इस वीडियो को हम रिव्यू करेंगे महिंद्रा की रेक्सोर एटीवी। दोस्तों अगर आपको दमदार जीप पसंद है तो महिंद्रा कंपनी की जून में शानदार जीप लेकर आ रही है। महिंद्रा कंपनी अपनी नई इस जीप का नाम जो है वो रेक्सोर एटीवी रखा है। जीप के इतिहास में मारुति सुजुकी जीप से शुरू होती है। सर्वप्रथम मारुति सुजुकी की कंपनी सन 1985 में अपनी सस्ती जीप को लॉन्च किया था, लेकिन अगर मारुति सुजुकी की इस जिप्सी को खास सफलता नहीं मिलनी भी थी। इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें तो अन्य कंपनी जो है वो भी जिप को लॉन्च किया था, लेकिन उसके बाद अगर बात करें अगर वर्तमान में तो महिंद्रा के थार कंपनी ने लोगों का काफ़ी ज़्यादा दिल जीता है। इसकी वजह से मजबूती और इसका लुक के कारण काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलरिटी हुई है और महिंद्रा थार को काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड नया लुक भी दिया है। दोस्तों रेक्सोर एटीवी महिंद्रा थार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा दमदार होगी और महिंद्रा कंपनी ने रेक्सोर एटीवी की जो शुरुआत एक कीमत जो रखी है दोस्तों वो 9.50 लाख रुपए रखी है। महिंद्रा रेक्सोर एटीवी 13 किलोमीटर प्रति लीटर की सबसे माइलेज देती है और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अलग अलग शहरों में जीप के जो ऑन रोड जो कीमत है दोस्तों वो भी आपको अलग अलग मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसके हार्डवेयर के बारे में, तो रेक्सोर एटीवी में 2543 सीसी का DDIS 4 सिलेंडर 16 वोल्ट इंजन लगाया गया है। 3200 RPM पर ये जो इंजन है दोस्तों वो 32 BHP की पावर जनरेट करता है और 2000 RPM पर 195 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी में आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको 5 गियरबॉक्स भी मिल जाते हैं और महिंद्रा के इसमें रेक्सोर एटीवी का ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों 228 Nm इसमें रखा गया है। इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि जीप की खास बात यह है कि आप इसको ऑफ रोड या फिर ख़राब रास्ते या फिर चट्टाने भरी या कोई भी जैसे रास्ता होता है उस जीप में किसान के लिए एक सबसे अच्छा ये विकल्प है, क्योंकि जीप की ट्रॉली में भी इसको खींच सकती है दोस्तों ये। इसके साथ ही जीप की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होती है जिसकी वजह से जीप को खेत में भी चलाया जा सकता है। आई होप कि दोस्तों हमारी जानकारी आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।